नगर के पूर्व विधायक भाजपा के वरिष्ठ नेता व बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल ने बढ़ती हुई गर्मी से बच्चों को बचाने की अपील की है। बता दें कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में बच्चे कम पानी पीना, चर्म रोग से ग्रसित होना व साफ सफाई का विशेष ध्यान न देना आदि कारणों से बीमारियां बच्चों की तरफ आकर्षित होती हैं, जिससे बच्चों को बचाने को लेकर अधिक पानी पिलाना, शरीर का बेहतर तरीके से साफ सुथरा रखना और संतुलित आहार उपलब्ध कराने से बच्चे इस भयावह गर्मी से बचकर निरोग रह सकेंगे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया, ये एक सच है कि बच्चों को गर्मी में थोड़ा सा लूज मोशन अधिक होने की संभावना रहती है। कारण ये है कि बच्चे पसीने में रहते हैं। कारण ये है कि उनका जो नाखून होता है, नाखून बीमारियों को ले जाने का सबसे बड़ा वाहक है। अगर हम बच्चों के नाखून हमेशा काट कर रखें तो वास्तव में नाखून और चमड़ी के बीच में जितनी गंदगी जमा होती है वो गंदगी शरीर में न जाने पाए। हमें प्रयास करना चाहिए कि बच्चों के नाखून हमेशा कटे रहें। ये अपने आप में पेट की आधी बीमारियों को ख़त्म कर देगा। इन्फेक्शन भी उसी से जाएगा और कीड़े मकोड़े भी उसी से, जो पेट में हम कहते हैं कीड़े हो गए, वो भी उसी से जाते हैं। प्रयास करना चाहिए कि उसको रोका जाए। फिर भी अगर किसी माध्यम से डायरिया की डायरिया माने पतली दस्त, डायरिया का मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे को दस्त दस्त आया तब डायरिया हुई। एक भी दस्त अगर पतला आ गया यानी आप डायरिया की ओर जा रहे हैं। और आज के युग में अगर माँ बाप समझदार हैं और थोड़े से जागरूक हैं तो डायरिया का कोई भी मरीज डिहाइड्रेशन की ओर जाता नहीं है। मैं आपको यूँ बताऊं कि जब मैं अपने ज़िंदगी की प्रारंभिक प्रैक्टिस के दौर में था, 1986 में मैं इस गोरखपुर में आया था, आज से 36 साल पहले, उस समय हम लोगों के जो अस्पताल होते थे वो डिहाइड्रेशन से भरे होते थे। हर मरीज डिहाइड्रेशन का होता था। डिहाइड्रेशन माने शरीर में पानी की कमी। आज वो स्थिति नहीं है क्योंकि माँ बाप जागरूक हुए हैं। इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि आप बाज़ार का प्रोडक्ट अपने घर रखिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हर घर में नमक होता है, हर घर में चीनी होती है। हमें स्टरलाइज वाटर, डब्बे का पानी ये भी लेने की ज़रूरत नहीं है। हम पानी को उबाल लें, उबला हुआ पानी उतना ही स्वस्थ होता है जितना कोई डब्बे का पानी होता है। हम पानी को उबाल लें, उबालने के बाद 1 लीटर पानी में हम करीब करीब 4 चम्मच चीनी डाल दें और ये जो 3 चुटकी होती है, 3 चुटकी के बीच में जितना नमक आ जाए उतना नमक डाल दें। अभी नींबू थोड़ा महंगा हो गया है, लोग कहने लगे हैं, लेकिन अदरवाइज थोड़ा सा नींबू भी अगर हम गाड़ दें तो हम प्रयास करें कि हमारे बच्चे को पहली पतली टट्टी होते मान अगर ये हम घर में बनाया हुआ पानी उसको पिलाना शुरू कर दें, नमक चीनी और नींबू के बूंद 4 बूंद 5 बूंद डाल करके उसका घोल, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि डिहाइड्रेशन तो होगा डायरिया तो हो सकती है लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और दूसरी चीज़, हर डायरिया के बच्चे को डॉक्टर को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अधिकांश डायरिया सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। जैसे वायरल फीवर होता है वैसे ही वायरल डायरिया भी होती है, लोग इसको जानते नहीं। जैसे वायरल फीरिया होता है तो 4 दिन 5 दिन में वायरल फीवर ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही डायरिया का सबसे जो कॉमन कारण है, सबसे सामान्य, सबसे अधिक जिस नाते डायरिया होती है वो वायरल डायरिया है। अब वायरल डायरिया में किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी डॉक्टर के पास अनावश्यक रूप से जाएंगे और आपके दवाओं में अक्सर उसको दवा लिखनी पड़ती है क्योंकि आपको लगता है, आजकल हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमें लगता है कि हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को हमने 500-700 रुपया फीस दिया और फीस देने के बाद उसने 5 मिनट देखा और देखने के बाद कह दिया कि पानी पिलाओ और ये करो और जाओ। तो आपको लगता है कि अरे हमने 500-700 रुपया फीस दे दिया, उसने दवा नहीं लिखी। मरीजों के दबाव में आजकल